या गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज मस्ती की पाठशाला फॉर ऑल द पेरेंट्स. एंड एज यू नो, वी हैव स्पेशल गेस्ट अक्रॉस इंडिया. एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड फाल्गुनी, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. और इस टेक्नोलॉजी ने लाइफ बहुत हमारी इजी कर दी है. तो फाल्गुनी इस समय मुंबई में अपने घर में बैठी है, लॉकडाउन है तो वो भी कहीं बाहर नहीं जा सकती है, और मैं जयपुर में अपने घर में बैठी हूँ. एंड टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ फाल्गुनी, फाल्गुनी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन हु हैज़ बीन फॉलोइंग नेचुरोपैथी इन हर लाइफ फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स नाउ. तो पिछले 14 साल से वो एक नेचुरोपैथी, जो एक साइंस है जो बताता है कैसे खाना खाना है, क्या चीज़ करनी चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी चीज़ को किसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और वो अगर हमें पता हो तो हम बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. सो आई हैव इनवाइटेड फाल्गुनी फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर पेरेंट्स, कि हम फाल्गुनी से सीखते हैं कि इस लॉकडाउन में हम घर पे कैसे क्या खाएं ताकि हम बीमार ना पड़े, और हम जो खाएं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो और हम अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं. तो डेफिनेटली आई कैन सी फाल्गुनी को कुछ चैलेंजेस आते होंगे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, नेचुरोपैथी लाइफ को फॉलो करने के लिए. सो मिलते हैं फाल्गुनी के साथ. हेयर वी आर हैविंग फाल्गुनी ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. वेलकम टू द शो फाल्गुनी. थैंक यू दीपिका, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ. आप कैसे हो फाल्गुनी? बस एक्सेलेंट. थैंक्स थैंक्स अ लॉट टू इनवाइटिंग मी फॉर द कम्युनिटी. या थैंक यू. तो आज का ये सेशन हम YouTube लाइव पर होंगे और लोग हमें सुन पाएंगे, आपको सुन पाएंगे कि आपने अपनी लाइफ में कैसे इसको अपनाया है, और रोज रोज जो कुछ हम कर सकते हैं एक आम आदमी अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर सकता है. और मुझे लगता है ना फाल्गुनी, अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता नहीं है. तो इस सेशन के जरिए लोगों को पता चलेगा कि क्या कैसे करना चाहिए. और हमारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो उनको बताया जाए वो फॉलो कर पाए. सो आई एम ऑल्सो अ गुड लर्नर, क्विक लर्नर. तो मैं भी फॉलो करने की कोशिश करूंगी कि आप जो बताते हो कि कैसे उसको लाइफ में जिया जाए. जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें तो बहुत करते हैं लोग, बट उसको करना इम्पोर्टेंट है. तो ओवर टू यू फाल्गुनी. थैंक यू. थैंक्स एवरीवन. मैं बताऊं तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी यानी जो नेचर पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ की बात करने वाली हूँ. 14 साल पहले मुझे भी नहीं पता था क्या नेचुरोपैथी है. मैं भी खुद दवाइयाँ लेती थी, मुझे डायरिया हो जाता था तो डॉक्टर बताते थे ये तो आपका जूना डिजीज है, दवाई देते थे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी. और मुझे भी एक मेरी फ्रेंड ने वे दिया कि चल तू नेचुरोपैथी डॉक्टर को कंसल्ट कर. और 14 साल से, यू बिलीव मी, के 14 साल से मेरे घर में दवाई नहीं आई है. 14 साल से वी आर डिपेंडिंग अपॉन नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी के बहुत सारे रूल्स है, देखा जाए तो बेसिक रूल्स है. मगर आज दीपिका हम लोग जो बताने वाले हैं अपनी कम्युनिटी को, वो है कि ये कोरोना वायरस की महामारी जो आ गई है उसमें हाँ थोड़े स्टेप्स हैं, और हम लोग देख उनको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हमको उनके जीवन में अपनाएंगे. सब लोग घर पे बैठे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा अपना खाने पीने की तरीका को चेंज कर दे तो बहुत वेरी ही गुड. सबको अच्छा रहेगा. इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ती है तो यहाँ मेरे को लगता है बच्चे लोग भी सुनते होंगे, तो हाँ, बोला बच्चे भी जाए हैं हमारे तो साथ. बच्चे भी है ना. या सो 4 H है हम लोग की लाइफ में. अभी इस माहौल की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे नेचुरोपैथी के बारे में ओके बता जाए तो वक्त भी कम पड़े. तो मैं बेसिक जो है ये महामारी से हम लोग कैसे अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं. एक डॉक्टर अपने खुद में ही बैठा हुआ है, वी आर ओन अवर डॉक्टर. सो 4 H है, हेल्पिंग हेल्दी एंड हैप्पी हाउस. अभी हम लोग सब लोग ओके घर में ही है या तो हेल्प तो एक दूसरे को कर रहे हैं. हम लोग, आप मम्मी डैडी को हेल्प कर रहे होगे, डैडी मम्मी को हेल्प करती रहेगी, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं. बच्चे लोग कुछ, कोई बच्चे को जो जो अपनी अपनी काबिलियत है उस हिसाब से करते हैं. कोई झाड़ू निकालता है, कोई बर्तन कर देता है, कोई सब्जी काट देता है, तो हेल्पिंग तो होते हैं हम लोग. क्यों ना ये हेल्पिंग के साथ साथ में हम लोग घर में रहने के लिए हेल्दी एंड हैप्पी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए. तो हाउस में तो या हम लोग रहते हैं, घर में हम लोग रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक हेल्दी एंड हैप्पी वे अपनाना चाहिए. हैप्पी को मैं एक छोटा समझाऊँ, हैप्पी सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है.
मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, कम्युनिटी के लिए अलग अलग है, और इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन है. तो हैप्पीनेस हम लोग खेल कूद के साथ में, गेम खेल के, टीवी देख के, सबके लिए अलग अलग तरीके है. खाने पीने की हैप्पीनेस भी अलग है. अभी हेल्दी को हम लोग आज देखें तो हेल्दी कैसे हो सकते हैं, इस महामारी, इस वायरस को हम लोग कैसे हटा सकते हैं अपने शरीर में से, और वो अपने शरीर में आए नहीं तो बराबर उसके लिए क्या करते हैं, बहुत जरूरी है. तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस महामारी के दौरान हम अपने घर पे कैसे करें कि ये वायरस हम पे आए नहीं, और हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो सब चीजें खाएं जो हमारे वायरस अंदर घुसे ही नहीं. तो सुनते हैं आपको, और बच्चे भी हैं, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, और जितना पॉसिबल होगा, जैसे आपने 4H के बारे में बोला कि हम अपने घरों में रहें, H हाउस, और हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले, सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने ये बोली है, और उसके बाद घर पे रह के हेल्प करके और हेल्दी रह के क्या कर सकते हैं वो आप हमें बताएंगे. तो हम आप सुनने के लिए तैयार है फाल्गुनी आपको. चलो तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें जरूर पड़ती है प्राण शक्ति की. प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति है जो अपने शरीर के अंदर आने वाले वायरस या कोई भी कीटाणु को मार देता है. तो प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए हमें, बराबर है? तो थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग ले ले तो तीन चीज जो है अभी फिलहाल, तीन चीज जो है उसे हमें अपनाना है. एक तो है हम लोग को डेली रूटीन में सूर्य प्रकाश लेना चाहिए. सूर्य प्रकाश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. मतलब सन के सामने बैठना चाहिए जाके? यस. तो सन के सामने कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी. दूसरा है फास्टिंग, 16 आवर्स फास्टिंग, बराबर है? जो हम लोग की मुंबई में तो इट्स नॉट टू इम्पॉसिबल दीपिका, मगर बिलीव मी 40 दिन से मेरे घर में वो चल रहा है. 60 डेज फास्टिंग, 16 आवर्स, सॉरी 16 आवर्स. अच्छा 16 आवर्स, 12 घंटे का. या वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसा है. और थर्ड जो हम लोग के नेचुरोपैथी का एक रूल है कि हमें सैलेड खाना चाहिए. तो सैलेड कैसे खाना चाहिए, मदर अर्थ का फूड कैसे खाना चाहिए, वो तीन चीजें जो एकदम आवश्यक है. बच्चे लोग को भी वो पसंद आएगी और पेरेंट्स थोड़ा उनको सपोर्ट करेंगे तो घर में तो हेल्दीनेस एकदम बढ़ जाने वाली है, देख लेना. तो फर्स्ट जो है सन बाथिंग, सूर्य प्रकाश. सूर्य प्रकाश जो है, हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग छोटे रहते तो हम लोग को साइंस में सिखाया जाता है कि पौधे को सूर्य प्रकाश दे दो, बराबर. हम लोग एक गमले में बीज बोते हैं, बोलते हैं उसको सूर्य प्रकाश देना, भूलना नहीं तो वो बड़ा होगा. उसको धूप के पास ले जाते हैं, धूप के पास लेके जाते हैं. ऐसे ही हम लोग के शरीर को भी सूर्य प्रकाश की खूब जरूरत है. तो सूर्य प्रकाश कैसे लेना चाहिए, डेली डेली हमको मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 40 मिनट्स का सूर्य प्रकाश अपने शरीर को देना चाहिए. उसमें से ही सब विटामिन हम लोग को मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा विटामिन सी हो, डी हो, सब विटामिन सूर्य प्रकाश में से मिलते हैं. सूर्य प्रकाश कैसे लेंगे, तो सुबह हम लोग ले सकते हैं. देखो सूर्य की गर्मी नहीं लेनी है हमें, सूर्य का लाइट लेनी है, सूर्य का प्रकाश लेना है. लाइट चाहिए, ओके लाइट चाहिए. तो लाइट सॉरी दीपिका, कौन से टाइम की ले, मतलब सुबह सुबह? ओके यस, तो सुबह आप लोग ले सकते हो 8 से 10 बजे तक, राइट. और शाम को आप ले सकते हो 4:30 से 6:30 के बीच में. अभी तो 6:30 बजे तक धूप आती है, यस बराबर, क्योंकि 4:30 की पहले की धूप बहुत कड़ी रहती है और उसमें हम लोग को गर्मी कर देती है. तो उसके और कैसे रह बैठना है सूर्य प्रकाश में, हम लोग सब शहरों में रहते हैं तो सब लोग क्राउडेड भी रहता है, घर में से भी दूसरे घर दिखाई देते हैं. तो हम लोग को सिंपल कम से कम कपड़ा जो पतला रहता है कॉटन का, वाइट कपड़ा पहन के बैठ सकते हैं. जेंट्स रहते हैं तो शर्ट निकाल के खाली शॉर्ट्स में बैठ सकते हैं. और देखना है कि फ्रंट साइड हमको 15 मिनट आए सूर्य का प्रकाश, और फिर बैक साइड बैठ जाना है तो अपने बैक साइड को भी सूर्य का प्रकाश मिले. ओके तो वो या तो वो बहुत ही जरूरी है, और इससे हम लोग को, हम लोग के शरीर में जो कीटाणु रहेंगे वो नेचुरली मर जाते हैं. क्योंकि हम लोग नहाते हैं तो हम लोग बाहर का सब साफ करते हैं, मगर सूर्य प्रकाश से इंटरनली बॉडी हम लोग साफ करते हैं. और मैं एक मेरा एक्सपीरियंस अभी का ही बताने वाली हूँ दीपिका. मैंने पढ़ा था कहीं कि जब भी हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तभी इटली में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे सनबाथ वाला रूम है और विदाउट सनबाथ वाला भी रूम है. यानी जहाँ पे वो रूम रखे हैं उन लोग ने ओपन चूज का है, और जहाँ सूर्य प्रकाश आता है. हाँ, और दूसरी बात, सूर्य प्रकाश लेने के टाइम में डायरेक्ट आना चाहिए, बीच में आपका मिरर हो, कांच हो, कुछ कांच बाज बंद नहीं होना है, डायरेक्ट आना चाहिए. सिंपल जाली हो तो चलेगा, क्योंकि अभी बॉक्स दिल वगैरह रहता है घर में कभी,
तो वो चलेगा, मगर कांच बंद कर दिया और अंदर बैठ गए तो नहीं आएगा, सूर्य प्रकाश कांच को मिलेगा, अपने को नहीं मिलेगा। बाहर बैठना है मतलब डायरेक्ट, कोई बीच में रुकावट ना हो डायरेक्ट, क्योंकि अभी घर के बाहर नहीं जा सकते हो, टेरेस पे अगर अलाउड है तो टेरेस पे जा सकते हो, बाजू में कोई गार्डन है तो गार्डन में जाके बैठ सकते हो, मगर अभी मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि अभी सबको घर में रहना है, स्टे होम। अपने घरों में जहां उसमें भी सूर्य प्रकाश आ रहा है वहां पे टाइम से आधा घंटा 45 मिनट बिता के बैठे। हाँ, सब फैमिली भी साथ में बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, सब फैमिली टाइम वहाँ पे सूर्य प्रकाश के साथ में, फैमिली टॉक टाइम वहाँ पे। हाँ, फैमिली टॉक टाइम। सो इटली में वो हॉस्पिटल है, और पहले जब भी वर्ल्ड वॉर होता तभी सैनिकों को घाव होता था जो बोलते ना गोली का, वो उससे ही अच्छा हो जाता था। तो मुझे अभी 8-10 दिन पहले ड्रॉवर में, अभी तो सब हाथ से काम करना था, ड्रॉवर में मेरी उंगली आ गई थी, इतना खून बहा तो मैंने तुरंत हल्दी लगा दी, और 5 दिन लगातार जो मेरा पार्ट पे यहाँ पे उंगली पे जो घाव था वो मैंने सूर्य प्रकाश के सामने पर्पसली रखती थी वहाँ पे बैठ के। तो बिलीव मी, अभी 6 दिन के बाद तो मेरा पूरा घाव भी अच्छा हो गया, मुझे दूसरा कुछ लगाना भी नहीं पड़ा, और वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा। तो आई कैन शेयर दैट। या सो क्योंकि हम लोग को घाव लगते हैं तो हम लोग स्टिचेस लगाने को चले जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते, घबरा जाते हैं, मगर मेरे अंदर डॉक्टर बैठा है और हमें कुछ पता है, टिप्स पता है, तो वी हैव टू फॉलो दैट टिप्स। और ये नेचुरल है, कुछ आपको इल इफेक्ट होने वाली नहीं है, राइट? ओके, सूर्य प्रकाश के लिए, ये सूर्य प्रकाश के लिए हुआ। दूसरा जो है, अभी मैं बोल रही थी कि 16 आवर्स फास्टिंग, तो 16 आवर्स का फास्टिंग यानी क्या है कि हम लोग रात को देखो 8 बजे खाना खाते हैं या 9 बजे खाना खाते हैं, तो उससे 16 घंटे पकड़ना है। जैसे 8 बजे खाना खाया तो 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक हमें सॉलिड फूड नहीं खाना है। ओके, तो आप बताओगे कि कुछ नहीं खाना है, सुबह उठते तो हमको भूख लगती है, तो मुझे तो परोठा चाहिए, मुझे तो पौवा चाहिए, मुझे तो उपमा चाहिए, वो जो हम लोग ब्रेकफास्ट है। या तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक रेड जूस, ग्रीन जूस, अदरवाइज फ्रूट्स, कट फ्रूट, 250 से 500 ग्राम तक का कट फ्रूट आप खा सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप खाली पानी पी सकते हो। सपोज आप मतलब पीने के लिए कुछ भी पी सकते हैं, खाने के लिए सॉलिड नहीं खाना है। तो अगर मैं तो जैसे आपने बहुत से बोला, हाँ, कि मैं तो शाम को 7 और 8 के बीच में खाना हमारे घर पे हो जाता है, तो मान के चलो कि अगर वो 7-8 के बीच में खाना खा लिया तो अब दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, और उस समय तक अगर कुछ चाहिए तो नारियल पानी, छाछ पी सकते क्या? नहीं, वो मैं okay, और बताने वाली हूँ व्हाट इज द फंडा। ओके, और फ्रूट्स खा सकते जो आपने बोला, फ्रूट्स खा सकते। देखो अभी दीपिका, अभी के लिए तो बराबर चलेगा, मगर ऐसे नेचुरोपैथी में देखा जाए तो शाम को 7 बजे के बाद में यू कांट हैव एनी फ्रूट इनटेक, या वो एसिड हो जाता है अपने बॉडी में। क्या है, एसिड और अल्कलाइन जो काम करता है बराबर, और प्राण शक्ति है जो डाइजेशन सिस्टम हमको काम करती है, हम लोग के शरीर में काम करने वाली शक्ति है प्राण शक्ति। हाँ, और प्राण शक्ति कैसे काम करेगी, जो हम लोग 16 आवर्स का फास्टिंग करेंगे, राइट? हाँ, प्राण शक्ति को टाइम तो चाहिए ना काम करने के लिए, डाइजेस्ट, हम लोग ने जो खाया है पूरा 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, या तो उसके लिए प्राण शक्ति काम करनी चाहिए, तो वो प्राण शक्ति डाइजेस्ट करेगी अपने फूड को, और हम लोग फास्टिंग नहीं करेंगे और अब फ्रूट भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, तो नॉट एडवाइजेबल। ओके, तो 16 घंटे का फास्ट करना है, और ग्रीन जूस जैसे लौकी पी नहीं, धनिया डाल के एक तरह का पी सकते हैं। ग्रीन जूस में आप दूधी, लौकी, क्यूकुम्बर, पालक डाल दिया, फुदीना डाल दिया, आंवला डाल दिया, आपने कोरिएंडर डाल दिया, और है ना उसका कलर भी दीपिका इतना अच्छा आता है ना, ग्रीन जूस का बच्चे लोग को भी देखने को और पीने को मन हो जाता है ग्रीन जूस। चलो ग्रीन जूस पीते हैं। okay. या ठीक है, सो या तो यू कैन हैव ग्रीन जूस, और फ्रूट भी कट फ्रूट करके दे दिया। हम लोग क्या करते हैं कभी कभार, अभी तो बॉम्बे में ऐसा हो गया कि टेट्रा पैक लाते हैं, जूस ले लो पी लो, चलो जूस पी लिया, बराबर? नहीं नहीं, वो तो नहीं, ताजा चीज होनी चाहिए, एकदम फ्रेश फ्रेश फ्रेश। और आप रेड जूस कैसे बनाओगे, रेड जूस भी पी सकते हो। रेड जूस में आप बीट रूट, कैरेट एंड एक एप्पल डाल दो, चलेगा, वन एप्पल, वो डाल के रेड जूस पी सकते हो। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप सादा वाटर पी सकते हो, वो सब आपको 12 बजे तक पीना है, उससे पेट भर ही जाएगा आपका, नेचुरल वाटर आपके शरीर में आ जाएगा, और नेचुरल वाटर आया तो आपको भूख लगने नहीं वाली, फिर 12 बजे आप खाना खाओ।
16 आवर्स फास्टिंग जो है इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आवर प्राण शक्ति टू वर्क. प्राण शक्ति 16 आवर्स में काम करती है. और बच्चे लोग को भी हम लोग ने 8 बजे 9 बजे खाओ रात को खाना. फिर हम लोग को क्या करते हैं, सच बोलूं तो हम लोग तो मैं तो गुजराती हूं तो यू नो दैट के मेरे फूडी रहते हैं तो आइसक्रीम खा लिया रात को बैठ के मिल्क शेक पी लिया अभी मैंगो मिल्क शेक चल रहा है. नो वो नहीं है. वो अपना खुराक नहीं है रात को 8 या 9 बजे के बाद में जब भी हम लोग ने अपना डिनर ले लिया बाद में या सो आप सुबह ले सकते हो और उससे प्राण शक्ति अपनी बढ़ती है. वो 16 आवर्स फास्टिंग. फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं. फास्टिंग हम लोग करते हैं ना तो हम लोग को ऑटोमेटिकली ऊर्जा आती है शरीर में. मगर वो फास्टिंग के भी तरीके हैं. मगर अभी कोरोना वायरस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो आप 16 आवर्स का फास्टिंग कर सकते हैं. ओके तो हमने आपने पहले बताया कि हम लोग पहले सन बात करेंगे, सूरज के प्रकाश लेंगे 30-40 मिनट रोज. और दूसरा आपने बोला कि रात में 7-8 बजे खाना खाने के बाद सुबह 12 बजे से पहले नहीं खाना है. और नेचुरल फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, ग्रीन जूस पी सकते हैं. अब 12 बजे के बाद जब खाना खाएं तब क्या करें आगे बताइए. हाँ तो बता रही हूँ. और वो 16 बजे मगर शाम को तो एक बार खाना खा लिया रात को बाद में कुछ नहीं लेना है. सुबह उठेंगे 8 बजे के बाद में 8 से जो 12 बजे का है उसमें आपको ये सब खाना पड़ेगा. हाँ ठीक है ओके. हाँ और थर्ड जो है वो है सैलेड का. मैंने बताया कि सैलेड इतना सैलेड इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में. पहले मैं भी नहीं खाती सैलेड. मैं जब भी पहले मैं भी पिज्जा हट जाती थी तो मैं बीमार हो जाती थी, मुझे डायरिया हो जाते थे. तो मेरे नेचुरोपैथी के डॉक्टर को मैं बाहर गाँव जाती तो मैं बीमार हो जाती थी, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था. तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था. मैं बोला ये क्या हो रहा है, मैं तो बिस्लरी पी रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं क्यों ऐसा हो रहा है. तभी मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है वो मैदे की वो है, एलर्जी है. मैदा खाना है आपको, नहीं खाना है नेचुरोपैथी में मगर मैदा खाना है तो खाओ, मगर पहले सैलेड खाओ. तो 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम का सैलेड आपको सुबह खाने से पहले पहले खाने के बीच में नहीं, और शाम को खाना खाने से पहले आपको सैलेड खाना है. सैलेड में भी याद रखना है कि उसमें खट्टा मीठा कुछ नहीं डालना है. टमाटर नहीं चाहिए सैलेड है ना. हम लोग का सैलेड में क्या रहता है, ओनियन और टमाटर नहीं. सैलेड यानी केबेज सैलेड रहता है, येलो ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम रहता है. उसको आप छौका मार सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, मगर उसके अंदर आप खट्टा मीठा कुछ नहीं डाल सकते हो. और खाना खाने से पहले ही खाना चाहिए सैलेड, खाना खाने के साथ में नहीं. और ये सैलेड के साथ में हम लोग को मदर फूड जो है, मदर अर्थ फूड. मदर अर्थ फूड क्या है वो मुझे कुछ बताएगा, पता है उसको मदर अर्थ फूड क्या है कि जो जो नेचुरल मिलता है. हाँ जो नेचुरल मिलता है, माँ धरती माता से मिला. धरती माता से मिला बराबर है. धरती माता से मिला यानी एक बात में बताऊं दीपिका, तो एक बात है कि हम लोग ये सब लाते हैं, प्रिंजल्स लाते हैं, सब पैक फूड जो है, पार्ले जी है, बिस्किट्स है, बराबर है. वो सब लाते हैं, वो सब की एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं टीवी पे और न्यूज़पेपर पे. कभी तूने शुगर कैन की या कोकोनट वाटर की एड देखी है? नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट की. वो नेचुरल है. आप लोग शुगर कैन भी पी सकते हो बाद में. वो भी वो बहुत यानी वो बड़ी टिप्स है सब लंबी, मगर ये जो अभी बता रही हूँ वो खाली अपने लोग अभी कोरोना वायरस से कैसे हम लोग को बचना चाहिए. तो ये जो है तो हम लोग को पैक फूड जो है वो नहीं खाना है. अभी तो हम लोग को मौका मिला है घर में रह के फ्रेश फूड खाने का, अच्छा बना के खाने का. क्योंकि हम लोग को एसेंशियल जो है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, वो तो मिल जाते हैं. क्यों ना हम लोग घर में ही वो एक दूसरे की हेल्प से अच्छा बना के ना खाए दो टाइम. मैं अभी परसों ही गई थी, मैं भी शॉपिंग के लिए. मैं एवरी फ्राइडे या सैटरडे जाती हूँ. तो दुकान के आगे मेरे आगे जो थे बंदे, उसने तू नहीं बिलीव करेगी 15 से 16 तो बिस्किट के पैकेट लिए, लेज लिया. मुझे लगा मैं उनको बोलूँ कि आप क्या खरीद रहे हो. और बाद में दूसरे बाजू में भी दो लगाते हैं, तो बाजू में थे, उन्होंने आइसक्रीम लिया. इतना भी क्या है, वो सब एडवर्टाइजमेंट से बच्चे लोग भी मोहित हो जाते हैं. उनको भी लगता है कि नहीं ये लेके आते ले. मेरे घर में बच्चे वो लोग भी बोलते हैं, मगर थोड़ा हम लोग को उनको ट्रेन करके करके थोड़ा वे लाना चाहिए. जो हम लोग करेंगे तो वो लोग भी अपने आप करेंगे. मेरे घर में हम लोग 14 साल से, मैंने बताया मेरे घर में दवाई नहीं है या दवाई नहीं आती है या. तो वो जो है मदर फूड जो है अपना, वो मदर फूड लेंगे तो वेरी हेल्पफुल
फॉर अवर इम्यूनिटी सिस्टम, फॉर अवर बॉडी, और उससे प्राण शक्ति का भी बहुत संचार होता है. हम लोग महामारी से, हम लोग जीवाणुओं से, हम लोग रोग से, हम लोग बाज रह जाते हैं. और दूसरी बात है कि फिर रेस्टिंग लेना है, रेस्ट लो, रेस्ट लेंगे तो एकदम अपने आप सब हीलिंग हो जाएगा. वी आर अवर ओन डॉक्टर, हमें पता चलना चाहिए. और ये करोगे तो अच्छे रहोगे, एकदम तंदुरुस्त रहोगे. और तो आप बता रहे थे ऐसे दो चीज जो है वो जरा भी नहीं करनी है ये संकट के समय में. तो हाँ. एक चीज जो है कि नो मिल्क, नो मिल्क प्रोडक्ट. ओके, आप छाछ के बारे में पूछ रहे थे ना. या या नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को नहीं लेना है. उसमें चीज है, बटर है, पनीर है, कर्ड है, बटर मिल्क है, तो वो हम नहीं लेंगे तो बहुत ही अच्छा है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं, उनको लगता है कि मम्मी को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मैं मेरे बच्चे को मिल्क दे दूँ तो उसको बहुत विटामिन्स मिलेंगे, बहुत अच्छा है. मगर मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत सारे बच्चे लोग को दूध से प्रॉब्लम होता है. तो दूध नहीं देंगे तो अच्छा है. क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जैसे माँ का दूध अपने बच्चे लोग के लिए रहता है, ऐसे गाय भैंस बकरी जिसका भी दूध जो है उनके बच्चे लोग के रहते थे, नॉट फॉर द ह्यूमन बींग. नहीं, आई ऑल्सो सेकेंड योर ओपिनियन फाल्गुनी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी दूध से एलर्जी है तो मैं भी दूध नहीं पिलाती हूँ. मेरे घर तो दूध आता ही नहीं है. सो आई ऑल्सो फॉलो दैट. बट हाँ, पिछले कुछ टाइम से बच्चे पनीर वगैरह खा रहे हैं. वो होटल में कभी गए, खाना खा के आए तो पालक पनीर खाए, पनीर बटर मसाला खाया. तो जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं वो भी हटाना है, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे हटा देंगे सिस्टम से. yes. कि बच्चों को समझा के उसको हटा दिया जाए. हाँ, आता है. देखो मेरे घर में भी, मैं नेचुरोपैथी फॉलोअर्स हूँ, मगर कभी कभार हम लोग आदमी, हम लोग को मन हो जाता है, मगर फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. हाँ, वो रूटीन नहीं है. जैसे लोगों के घर में 2 किलो दूध आता है, वैसे मेरे घर में 2 किलो दूध का कोई ग्वाला नहीं आता है, दूध नहीं लेके जाता है, क्योंकि मैंने बच्चों को दूध पिलाया ही नहीं है. दैट वे जैसे आपने बोला कि माँ का दूध, हर माँ का दूध उसके बच्चे के लिए है. तो गाय के बच्चे का दूध है गाय के, जो गाय का दूध हम पी रहे हैं. तो वो बहुत बड़ी फिलॉसफी लोगों को समझ में आ जाए फाल्गुनी. यस यस यस. और क्या है कि मेरा भी बच्चा छोटा था तो वो बहुत, उसको वॉमिटिंग होती थी, वो अन में बैठने के लिए तैयार नहीं था. मगर तभी मुझे नहीं नॉलेज था. हम लोग बोलते ना गुजराती में कि जाग्या त्यारथी सवार, जब हम लोग उठे तभी से अपनी सुबह हो जाती है. जब से हम लोग जान होती है, जब इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वी कैन, व्हाई वी कांट अप्लाई दैट थिंग. हां, वेरी ट्रू. तो या तो उसको भी बहुत उल्टियां होती थी. वो नहीं जाने को बोलता था, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा. फिर मुझे पता चला कि उसको तो एलर्जी है मिल्क की, तो फिर मैंने बंद कर दिया. और फिर टचवुड कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. और मेरे घर में भी, दीपिका आपने बताया, उस हिसाब से आधा लीटर ही दूध आता है, वो भी सब मेड के लिए. अभी मेड नहीं है तो वीक भर में मैं लेती नहीं हूँ दूध. ऐसे हो और फाल्गुनी खाने के लिए, जैसे जब 12 बजे आपने बोला कि सलाद खा लो पहले, उसके बाद हम खाना खाएं, तो खाने में क्या प्रेफरेंस चाहिए? देखो अभी दीपिका, अभी मैं बताना तो चाहूंगी, बहुत सारा है, मगर उसमें क्या है, खाने में है ना, दाल भात शाक रोटली, ऐसे बोलते हैं ना गुजराती में, तो बाप रे बाप, सब खाना, फुल मील, फुल लंच होना चाहिए. मगर ऐसा नहीं है. हम लोग को खाना है रोटी सब्जी खाना है, अदरवाइज सब्जी एंड राइस खाना है, एक ही धान खाना एक टाइम के, अलोंग विथ वेजिटेबल्स. एक ही मतलब दाल चावल खा रहे हो तो दाल चावल खाओ, रोटी मिक्स मत करो. रोटी खा रहे हो तो रोटी के साथ, ऐसा नहीं, दाल नहीं, दाल एंड चावल वापस, दाल इज प्रोटीन और चावल भी हो गया वो फूड हो गया, तो दाल और चावल नहीं चलेगा, चावल एंड सब्जी चलेगी. ओके, दाल एंड रोटी भी नहीं चले. या ओके, सो आप राइस एंड सब्जी खा सकते हो, अदरवाइज रोटी एंड सब्जी खा सकते हो. तो दाल को, दाल खाना ही नहीं है. ओके, दाल, दाल है ना, दाल इज वेरी हाई प्रोटीन, वेरी हाई प्रोटीन. और दाल खाने से घुटनों का भी दर्द होता है. आप एक बार देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस एक शेयर करती हूँ. मेरे डैडी है, राइट नाउ इज 78 इयर्स, राइट. 10 साल पहले जब भी मैंने मेरा नेचुरोपैथी नया मैंने चालू किया था, उनको बहुत घुटन का बहुत हो गया था दुखावा, बहुत दर्द, यानी बहुत दर्द था. तो बोलते कि अभी क्या करना, मगर अभी फैशन हो गई ना वो, नी रिप्लेसमेंट कराओ, नी का ऑपरेशन कराओ. तो मैंने डैडी को बोला कि आप दाल बंद कर दो, तो बोला हाँ हाँ. फिर 4-5 दिन के बाद मैंने पूछा, दाल नहीं खा रहे हो ना? ठीक है, बस कल थोड़ा दाल ढोकली खाया था.
मतलब क्या दाल दुबली खाता, दाल नहीं खाना है। फिर मैंने मेरे घर पे लेके आई उनको, 10 दिन के साथ मैंने रखा उनको, उनको बोला कि दाल जरा भी नहीं दूंगी मैं ये। अभी आज 10 साल के बाद में उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, एंड उनके घुटने बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ओके। ड्रमस्टिक का सूप भी दिया तभी उनको, ड्रमस्टिक का सूप जो आता है ना वो भी दिया उनको। तो हम लोग घर से दाल को हटा दें, दाल को हटा दें। ओके ठीक है। दाल क्योंकि क्या है ना कि दाल रोज रोज खाने के लिए बहुत उसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन को हम लोग को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग को बहुत काम करना पड़े। और हम लोग के अभी तो पता है ना कि क्या है, हम लोग घर में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, हवा नहीं लेते हैं, यानी मीन्स नेचुरल सूर्य प्रकाश, इसीलिए तो ये बताया गया है। तो आपने सुबह ये खाया, शाम को भी आप खाओ तो। और हाँ, दूसरी एक बात भी है दीपिका, के खाना खाने के साथ में भी आपको मीठा और खट्टा खाने में नहीं डालना चाहिए। ओके। मतलब खाना खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, एक रसगुल्ला खा लिया, एक मिठाई खा ली, वो सब नहीं करना है। वो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। अगर आपको खाने का, अगर आपको खाने का मन होता है ना, तो मुझे ना पहले काजू कतली बहुत पसंद थी, बहुत यानी बहुत। तो मैंने मेरे नेचुरोपैथी डॉक्टर को बताया कि अरे भाई मेरे को तो ना काजू कतली तो खानी चाहिए चाहिए। जब बहुत मन होता है ना फाल्गुनी, मैंने काम करो शाम को 4 बजे 2 पीस खा लो, ऐसे करो, खाने का टाइम बंद हो जाएगी, फिर अपने आप ही बंद हो जाएगी। वो जो हम लोग को बोलते हैं ना, देखे और मतलब खा ले, फिर नहीं होता है। ओके। तो कुछ लोग जो फाल्गुनी होते हैं, जैसे अपने पास समय कम है, बट एक दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों को चाय कॉफी का चस्का होता है, मतलब लिटरली एडिक्टेड बोल लो, लोग मानते नहीं है बट चाय भी नशा है। अरे दीपिका मैं बताऊं, मुझे चाय पसंद है कि मेरे को खुद के हाथ की बनाई हुई चाय पसंद होती है। और मुझे लगता है कि एक बार तो मैं पी लूं, मैं पहले पीती थी, बहुत पीती थी, और अभी भी मैं बोलती हूँ संडे में चीटिंग कर लेती हूँ, आज ही मैंने सुबह पी ली है, क्योंकि रात को लेट नाइट तक वर्क किया, फिर सुबह एक दूसरा कॉल था। तो क्योंकि क्या है कि चाय, यानी बोलते हैं ना कि चाय तो बोले चाय पियेंगे, चाय के साथ में चर्चा करते हैं, मैं और मेरी बेटी भी बहुत टाइम ऐसे करते थे कि चलो मम्मी आज सीसी हो जाए, चाय पे चर्चा। सही बात है। और वो भी मैं ही बनाऊ चाय, तो वो मुझे फोन करे ऑफिस में, निकल चल अभी जल्दी, मैं घर पे पहुंच रही हूँ कॉलेज से, जल्दी घर पे आके चाय बना, हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। या तो चाय कॉफी वो सब जो है ना वो तो नहीं पीना है, और वो बंद करे। अभी बहुत सारे लोग को मैंने ट्रांस मीन्स किया है कि जो लोग दिन में 4-4, 5-5 चाय पीते थे, हाँ, तो उन लोग को समझाया तो उन लोग ने कम कर दी है। वो बोलते कि नहीं मैडम अभी हम लोग एक ही चाय पीते हैं। अभी मेरा भी ऐसा ही हुआ था, फिर अभी मैं वीक में 3 बार पहले पीती थी, अभी मैं वीक में एक ही बार पीती हूँ, वो भी अभी स्ट्रेस है, मतलब काम करना है। आपकी बात, हाँ, आपकी बात सुन के फाल्गुनी ऐसा लग रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जो चीज हम गलत कर रहे हैं उसको कभी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार चीटिंग के नाम पे कर ले ताकि मन खुश रहे, बाकी रेगुलर आदत तो हमको ऐसी बनानी चाहिए कि हेल्दी आदत हो, ताकि हमारे जो आपने जैसे बोला कि हम खुद डॉक्टर हैं अपने, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही रहे। जैसे भगवान भी बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बनाया ही ऐसा है कि हमारी शक्ति, हमारी बॉडी अपने वायरस से खुद ही फाइट करने के लिए आ जाती है, हमारे WB सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सब जो आते हैं। सो आई एम प्रेजेंट टू दैट व्हाट यू आर सेइंग, तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। बस तो चाय का जो बात चल रही थी, तो अभी 4-5 दिन पहले मेरी मम्मी का भी फोन आया, तो बोलती थी कि फाल्गुनी ऐसे मुझे चाय की तलब नहीं लगती है, मगर ये सिस्टम हो गई ना, सुबह उठ के मैं चाय बना दूँ, चाय पी लूँ, अभी चलो मैं करती हूँ ट्राई कि कल से मैं चाय नहीं पीऊंगी। तो अभी मुझे, मैंने अभी उससे पूछा नहीं है फिर क्या हुआ वो चाय का, अभी तूने चाय बंद की कि नहीं की, मगर वो चाय छोड़ना बोलते है ना कि एक एडिक्शन है दीपिका, मगर वो आप लोग कम कर सकते हो। आप, मैं बोला मैं रोज पहले एक गिलास पीती थी, फिर मैंने वो बंद कर दिया, वीक में 3 बार पीती थी, अभी लॉकडाउन के टाइम में वीक में एक ही बार पीती हूँ। और उसका भी एक मेरे हस्बैंड भी जो कि नेचुरोपैथी में बहुत सपोर्ट होता है सबका, तो ही होता है, तो उससे मेरे को फाल्गुनी तेरे को चाय पीने एक काम कर, तू 16 आवर्स का फास्टिंग कर रही ना, तो प्लीज तू सुबह सुबह चाय मत पी, तेरे को चाय पीना है 4 बजे मैं तेरे को चाय बना के दूँ, और चाय ही खाली पीना, उसके साथ में कुछ नहीं खाना है, नहीं बिस्किट खाना है, नहीं टोस्ट खाना है। ओके। और उन्होंने मेरे को 4 बजे चाय बना के भी दी एक बार, और बहुत अच्छी बना दी थी। अरे वाह, वेरी गुड। सो अभी मैं ये पूछना चाहूंगी फाल्गुनी की, जैसे अभी जैसे आपने बताया कि 12 बजे हम लोग फास्टिंग अपना तोड़े, तो हम फ्रूट्स पहले फल खा ले, नहीं सब्जी खा ले, वो फ्रूट आप सैलेड जो आपने बोला,
कि 12 बजे हम पहले सैलेड खाएं, उसके बाद थोड़ी देर बाद गैप करके हम खाना खाएं अपना। गैप नहीं करना है दीपिका। अच्छा, गैप नहीं करना है, पहले सैलेड खा ले फिर खाना खाए, साथ में ही कर ले, और उसके बाद रात का खाना खाए, मतलब शाम को 4-5 बजे आप खा सकते हो ना। आप रेड जूस पी सकते हो, आप वाटरमेलन खा सकते हो, अभी गर्मी है तो आप नारियल पानी पी सकते हो। या और एक चीज मैंने नेचुरोपैथी में कहीं पढ़ी थी कि फ्रूट्स को और फूड को मिक्स नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो फ्रूट खाओ, खाना खा रहे हो तो उसके साथ मिक्स मत करो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, और अगर बहुत इच्छा हो भी रही है फ्रूट खाने की तो पहले फ्रूट खा लो उसके बाद खाना खाओ, क्योंकि फ्रूट का इफेक्ट नहीं मिलता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। फ्रूट खाया आपने, फिर आपको मिनिमम 2 घंटे का गैप रखना है। ओके, सपोज आपने 10 बजे फ्रूट खा लिया, पपीता खाया, अनार खाया, जो भी व्हाटएवर फ्रूट, अभी तो मैंगो है, यू कैन हैव मैंगो दीपिका, दैट 10 बजे 11 बजे आप मैंगो खा लो तो फिर 1 बजे खाना खाओ। ओके, मैंगो भी रस जो रहता है, मैंगो का पल्प रहता है, वो आप खाने के साथ नहीं खा सकते। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट क्या है मालूम है? फ्रेश नेचुरल मैंगो जूस, अभी सुबह फिर हम मेरे और मेरे हस्बैंड ने पी लिया, वो पी लेना है, तभी जितना पीना है उतना पिए, दो ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, जो भी पीना है वो पियो, मगर यू हैव टू कीप 2 आवर्स का डिस्टेंस, बाद में आपको लंच लेना है। ओके, ठीक है। और आम है, अभी सब बच्चे लोग को तो पसंद ही होगा आम, तो आम खाओ, आम बहुत ही अच्छा है, उसमें विटामिन सी है, तो आप लोग खा सकते हो एकदम। ओके, पर खाने के साथ नहीं, खाने के साथ नहीं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने को फल के साथ मिक्स मत करिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट को फल के साथ मिक्स कर सकते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट दोनों अलग अलग? ड्राई नट्स में सच बोलू एक्चुअल में दीपिका, तो ड्राई नट्स में भी हम लोग काजू खाते हैं ना, 4 हाँ। काजू खाते हैं ना, 4 काजू, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग को 12 से 15 किलोमीटर गाड़ी खींचनी होगी ना, वो जो ऐसे वो हमाल नहीं खींचता है गाड़ी, तभी तेरा हाँ। 4 जो मैडम जो कैशु है वो तभी आपका डाइजेस्ट होगा। अच्छा, तो फिर ऐसा 4 काजू खाने का क्यों? इसीलिए उससे बजाय आप आलमंड्स खा सकते हो, भिगोए हुए आलमंड्स खा सकते हो, पिस्ता खा सकते हो, वो सब आप 4 बजे करीबन 4 बजे खा सकते हो, 4-4:30 बजे फिर वो, और कभी कभी बोलिए जर्दालू आते हैं, जर्दालू हाँ वो खा सकते हो, अंजीर खा सकते हो, मगर काजू कैश्यू नट इज वेरी वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो अवॉइड कर दो, डब्बा ही हटा दो घर से, ठीक है। अच्छा, पैसे भी बच गए थोड़े से। और ये आपसे पूछना था, कभी कभी जब मन करे कुछ जंक फूड खाने का, फिर क्या करें? नहीं खाए, देखो जंक फूड, हाँ हम लोग मानवी है, मानवी का मन तो होगा ही, बराबर है, खाने पीने के लिए इतना परोसा हुआ है, इसीलिए 16 आवर्स का फास्टिंग है, और 16 आवर्स के फास्टिंग के बाद में आपको जंक फूड खाना है तो खाइए, मगर उसके पहले आप सैलेड खाइए, सैलेड खाना ही है। एक बार है ना दीपिका, मैं बताऊँ, मेरे को सैलेड का फंडा पता हुआ ना, तो मैं पिज्जा हट गई थी, और पहले तो मेरे को बहुत डायरिया हो जाता था, मगर अभी मुझे लगा कि अच्छा सैलेड खा के मैं पिज्जा खाती ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं पिज्जा हट गई, तो हम लोग के यहाँ हीरा नंदानी में, तो मैंने बोला कि मैं ऑर्डर किया सैलेड का, नो वी कांट सर्व सैलेड इन पिज्जा हट, तो मैंने बोल दिया सॉरी आई ऑल्सो नॉट कैन टेक डिनर हियर, तो फिर उसका मैनेजर आया, बोलता है कि नहीं वेट करो मैडम, अभी मैं आपको ग्रीन सैलेड बना के देता हूँ। उसने 45 मिनट्स ली, और उसने जो ग्रीन सैलेड दिया मेरे को, तो मैंने पूछा कि कहाँ से लाया पहले, तो आपने ना बोल दिया, तो बोले नहीं हम लोग बाजू में हम लोग का गोदरेज बास्केट है या क्या वो कुछ उनका बास्केट का कुछ, उसने बताया उधर से लेके आए, कट किया और आपके लिए फ्रेश बनाया। Okay. तो हम लोग बोलते ना कि हम लोग गुजराती में कहवत है, मैं गुजराती थोड़ा यूज करूंगी, सॉरी टू माफ करना, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है बताइए। मांग्या वगर मापन न पीट से, मतलब हम लोग मांग्या वगर, यानी हम लोग मांगेंगे तो माँ को पता चलेगा हमको भूख लगी है, हम मांगेंगे हाँ। तो माँ को पता चलेगा ना कि मेरे को सोना है, हम लोग बोलेंगे हाँ, नहीं तो माँ को थोड़ी पता चलता है, ऐसे बोलते हैं कि माँ को सब पता चल जाता है, मगर कभी हम लोग आके बैठ गए, हम लोग ने मांगा नहीं, मम्मी भी अपने अपने में बिजी रही, तो मम्मी जब हम बोलते कि अरे मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो फिर मम्मी बोलती हाँ हाँ अरे परोस देती हूँ, बराबर है ना। तो ऐसे मैंने पिज्जा हट में जाके सैलेड मांगा, तो उसने मेरे को सैलेड दिया। तो वो जंक फूड खा सकते हो, मगर जंक फूड से पहले आपको सैलेड खाना है। ओके, तो हम पहले सैलेड खा लें और फिर हम जंक फूड को खा सकते हैं, बट ऐसे भी अभी भी लॉकडाउन है,
बाहर की चीजें ज्यादा घर पे आनी नहीं चाहिए, जो हो सके घर पे ही खाएं। और जितना मुझे पता है नेचुरोपैथी केक पेस्ट्री और इन सबको भी एकदम नो नो है उसके लिए भी। पर जो हमारा स्वीट टूथ होता है ना कि भाई हमको इच्छा होती है कभी, मुझे भी होममेड केक बहुत पसंद है। मैं भी अपने बच्चों के लिए कभी कभी कुकीज बना लेती हूँ, मैदे की नहीं बनाऊंगी तो आटे की बना लूंगी, तो उसके बारे में क्या कहना है? मतलब देखो, बिल्कुल ही बंद कर देना है मैदा। एक बात शेयर करूं तो मेरे घर में ओवन है 2 साल से। 2 साल में वो ओवन का यूज नहीं हुआ जितना अभी 2 महीने में हो गया है, बिलीव मी। बिकॉज ऑफ आई हैव डॉटर और वो भी यंग है, तो आपने बोला उस हिसाब से मन तो हो ही जाता है। तो हम लोग ने घर पे, उसका भी बर्थडे आया, उसके फ्रेंड का भी बर्थडे आया, घर में केक बनाई, बराबर है। हम लोग ने वड़ा पाव बनाया तो उसके पाव भी घर पे बनाए। अरे वाह। उसके बर्थडे में पिज्जा उसने बनाए तो पिज्जा भी घर पे बनाया, और घर का हुआ पिज्जा। पिज्जा भले हम लोग ने मैदे का ही बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मगर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं अभी यही पिज्जा खाने वाला हूँ, कि मैं बाहर का 2 पीस खाता हूँ ना, मुझे हजम नहीं होता, ये मैंने 2 पूरे पिज्जा खा लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। घर का बनाते हैं ना दीपिका, अपना प्रेम रहता है, अपने थॉट्स रहते हैं, और हम लोग को ये मौका मिला है। ये भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि तुम लोग बैक टू बेसिक सीख जाओ, कितनी गलतियां तुम लोगों ने कर ली है। और आई थिंक बहुत सारी मदर्स हैं जो बहुत सारा ट्राई कर रही हैं, घर पे अलग अलग चीजें बना रही हैं, और बाहर का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मिठाइयों की दुकान बंद है, मिठाई अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अभी अपनी भाभी से भी बात की तो उन्होंने मुझे बताया वो घर पे मालपुए बनाई और घर पे उन्होंने जलेबी बनाई। तो आप भी बता रहे हो कि आपने घर पे बन बना लिया, मतलब पाव बना लिया घर पे। तो हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो पॉसिबल भी लग रहा है। पहले लगता था नहीं होता है, फोन किया स्विगी जोमेटो कितने चल रहे थे, एक फोन किया घर पे डिलीवरी हो जा रही है। पर ठीक है, हमें जैसे एक लॉकडाउन का मैंने मैसेज पढ़ा था कि ये टाइम मिला है ये देखने का कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा टाइम है। और हमारे पास अभी 2-3 मिनट ही बचे हैं अपना सेशन कंप्लीट करने के लिए, और वाकई आपने जो शेयर किया आपकी लाइफ का इनसाइट, चाय पे चर्चा, वो सब हमें अच्छा लगा। और कुछ और अपने लोगों को आप बताना चाहेंगी ताकि हम सेशन को समाप्त करें और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में उन सब चीज को अपना पाएं और चेंज कर पाएं? तो आप कैसे कर पाते हो ये 16 घंटे का फास्ट रोज का? तो थोड़े से टिप्स आप दीजिए हमको ताकि हम इंस्पायर्ड हो कि हम भी करें। वो बहुत इजी है, उसके लिए आपको एनरोल खुद को पहले होना है। घर की जो लेडी है उसको खुद को एनरोल होना है, उसको खुद को स्टार्ट करना है। वो स्टार्ट करेगी तो अपने आप ही उनके घर में रहे हुए सब लोग वही यूज करेंगे। तो हम लोग खुद चालू कर देंगे, नहीं अभी तो ये 9 बजे मेरा किचन बंद हो गया है, अभी आज कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग पत्ता खेलते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम लोग कोई मूवी देखते हैं, तो क्या है उसमें टाइम हो गया। फिर 10:30-11 बजे सब लोग सोने को चले जाते हैं, फिर सुबह उठे तो तैयार रखो, पता होना चाहिए कि क्या फ्रूट अच्छा लगता है बच्चे को, हस्बैंड को, तो उस हिसाब से हम लोग तैयार रखते हैं, तो वो लोग खा पी लेते हैं। तो उसके लिए इट्स वेरी इजी, क्योंकि सुबह उठ के आपको ग्रीन जूस मिल गया, आपको रेड कलर का जूस मिल गया, आपको अपना पसंद का ये कैरी का आमरस मिल गया, तो उससे अच्छा कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो और फिर शाम को 4:30-5 बजे आपने धूप ले लिया तो वो भी हो गया, 16 आवर्स का फास्टिंग हो गया, और हम लोग बाहर से कुछ लाए ही नहीं, तो फिर हाँ थम्स अप पीने का मन होता है, पेप्सी पीने का मन होता है, घर पे ही बना लो ये नींबू का शरबत, वो भी जैगरी के साथ में, नो शुगर। ओके, सो वाटरमेलन जूस बना दो। इसलिए घर एक मंदिर है अभी, और वो मंदिर को हमको सजाने के लिए टाइम दिया है भगवान ने। हाँ। तो वो हम लोग करे तो क्या इतना मीन्स, मैं दीपिका तेरे को आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि लॉकडाउन अभी भी 60 दिन होगा तो मेरे पास बहुत काम है। बिकॉज क्या है कि हम लोग खुद को जो पसंद आता है वो खाना खाते हैं, उस तरह से जीते, वर्कआउट भी करते हैं, सब भी करते हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर अवर सेल्फ, अवर फैमिली, एंड घर का जो है अपना, तो ये वो है वो हेल्पिंग हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली बनाने के लिए हम लोग को सबको टाइम मिल गया, सबको मिलजुल कर, तो वो कर दे तो ये हम लोग कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और बच्चे लोग को पूछ लेना है कि क्या खाना है, आप क्या खाओगे। हाँ, और दीपिका मैं एक बताऊँ कि मैं अभी मिस ढूंढ रही हूँ, और आप किसी को भी मिले तो कैसे गेहूं का पाव बनाया जाए, या मिस पिज्जा का बेस कैसे गेहूं का बनाया जाए, या मुझे वो एक करना है थोड़ा। मैं बोला कि चलो वो भी करके देखते हैं, गेहूं का बन जाए तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं।
और बहुत सारी टिप्स है नेचुरोपैथी के लिए, तो दीपिका जी इतनी सारी टिप्स है, बोलने को जाए और छोटी छोटी टिप्स है, आप गिर गए तो आपको तुरंत क्या घर में रेमेडी करनी है, आपके बाल के लिए क्या करना है, आपके टीथ के लिए क्या करना है, तो उसके लिए ना मैंने यूट्यूब में मैं सब टिप्स और मेरे जो अनुभव है वो शेयर करती हूँ। मगर दीपिका जी हम लोग उसके लिए बाद में बात करेंगे, सपोज वो गुजराती में करती हूँ, अपना वर्क है हिंदी में, तो आई विल स्टार्ट बाकी के टिप्स हमारी लाइफ के लिए, बालों के लिए, फेस के लिए, और क्या बोलते कोई चोट लग गई उसका तुरंत क्या इलाज किया जाए उसके लिए आप हमें बताइए, तो हम आपको एक बार और इन्वाइट करते हैं कि जब आपके पास टाइम हो 15 दिन बाद आप एक बार हमसे फिर बात करिए। और आज बहुत अच्छा लगा सूरज का प्रकाश लेने के लिए, अपने प्राणों के प्रकाश को जगाने के लिए और 16 घंटे का फास्ट करने के लिए। तो आप पहले तो लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट अब नहीं लग रहा है, तो अगर फाल्गुनी कर सकती है तो हम सब कर सकते हैं और हम भी करेंगे। एंड थैंक यू फाल्गुनी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो मस्ती की पाठशाला, और हम सबके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शेयर किया जो हम सब फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो अब मिलते हैं दोबारा 15-20 दिन बाद, जब आप फ्री हो एक बार और हमसे बात करिएगा। Thank you once again. Thanks a lot, Deepika, कि आपने मुझे invite किया and मुझे ये platform दिया कि मैं अपनी दूसरी community के को लोगों को से भी पहुंच सकूं, जो कि मैं अभी तक गुजराती community तक सीमित थी। और मुझे बहुत सारे 2-3 मेरी friend आपकी तरह उन्होंने मेरे को बताया कि गुजराती में पढ़ 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 करती है, हमने नहीं कुछ पता चलता है, हिंदी में start करो, English में start करो। तो Deepika, I am very thankful to you कि आपने मेरे को ये opportunity दी है। आपको अपडेट मिल जाएगा फाल्गुनी। और हमारे अभी आप मुंबई से आए जयपुर में, तो ये मान के चलिए कि आधे जयपुर को आपने चेंज कर दिया, बाकी आधा जयपुर हम दूसरे वीडियो में चेंज करेंगे। So it was nice talking to you, and thank you very much for coming. And I, on behalf of Dolphins family, thank you. And आप भी अपनी वीडियो को इस वाले को YouTube में लाइव हो जाएगा, तो आप भी अपनी कम्युनिटी को शेयर कर सकते हो जिनको हिंदी सुनना है। आज आपने बहुत अच्छी हिंदी बात की हमारे साथ, तो वहाँ पे भी शेयर करिएगा। Thanks to you, Deepika. Okay, thank you. Bye. Okay, see you all. Bye. Take care. Bye.